हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ फीमेल का एक सवाल ये होता है आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 लुक को लेके कि 72 आवर के अंदर यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर हमने आईपीएल दो बार ले ली हो, तीन दिन के अंदर हमने आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 दो बार ले ली हो यानी कि डबल ले ली हो, तो क्या इससे हमारे पीरियड जो है इरेगुलर हो जाएंगे या फिर हमको पीरियड जो है स्पॉटिंग में आ रहे हैं तो क्या अब हमको प्रेगनेंसी के चांस हैं? इस तरह के काफी ज्यादा डाउट्स मन में रहते हैं, डर रहता है फीमेल्स का, तो यही जानेंगे। वीडियो में काफी हेल्पफुल वीडियो हो सकती है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो देखिए, 72 घंटे के अंदर आपने दो बार आईपीएल ले लिए तो इसमें प्रेगनेंसी के चांस तो आपको नहीं होंगे क्योंकि आपने एक बार नहीं दो बार ले ली है, प्रेगनेंसी के चांस तो नहीं होंगे, लेकिन काफी हाई डोज हार्मोन के होने के कारण आपके पीरियड इरेगुलर होंगे और बीच में ही आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी यानी कि कुछ दिन बाद आपको विड्रॉल ब्लीडिंग हो सकती है या फिर हार्मोनल ब्लीडिंग जिसे बोलते हैं, कुछ समय के लिए दो तीन दिन आना स्पॉटिंग में, फिर उसके बाद दो तीन दिन रुक के उसके बाद फिर से आना, इस तरह की इरेगुलर ब्लीडिंग आपको हो सकती है और आपके पीरियड दो तीन महीने इरेगुलर रहेंगे, हैवी या फिर कम भी हो सकते हैं यानी कि नॉर्मल पीरियड जैसे पहले आते थे उस तरीके से ना आकर कम ज्यादा हो सकते हैं, लंबे दिन तक खींच सकते हैं, कम दिन तक भी हो सकते हैं, लेकिन 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है। अगर 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और हैवी हो रही है, एक घंटे में आपको दो बार पैड बदलना पड़ रहा है, तो वहां पे जरूर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, नजदीकी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आईपीएल से रिलेटेड, अनवांटेड 72 से रिलेटेड और भी वीडियो है हमारे चैनल पे। इसके बाद पीरियड कब आता है, कितने दिन तक रहता है, सेकंड पीरियड कब आता है, सारी वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट है पूरी, वहां पे आप देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।